इस साल हनुमान जयंती को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस साल दो पूर्णिमा तिथि पड़ने वाली है। साथ ही चैत पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी पूर्णिमा पर हर वर्ष की तरह उनकी जयंती मनाई जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हनुमान जी को विशेष स्थान प्राप्त है। तो आइए ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि किस दिन हनुमान जयंती पड़ रही है और किस विधि विधान पूर्वक हनुमान जी का जन्मोत्सव या जयंती हमें मनाना चाहिए और हनुमान जयंती मनाने से क्या सुफल हमें प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में हनुमान जी महाराज का विशेष स्थान है, विशेष महत्व है, क्योंकि सर्वशक्तिमान देवता ही, सर्वशक्तिशाली, तेजस्वी, चमत्कारिक देवता है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज चिरंजीव हैं, अर्थात हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और जयंती नाम के योग में हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान का जो जन्मदिन है हनुमान जयंती के रूप में जाना जाता है। हम इसको हनुमान जन्मोत्सव भी कह सकते हैं, परंतु जयंती नाम के योग में जन्म लेने के कारण यह हनुमान जयंती के रूप में प्रचलन में है। और हनुमान जी का पूजन करने से, हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव मनाने से, हनुमान जी का पूजन करने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है और सभी प्रकार की सुख संपदा हमको प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज की कृपा से भूत पिशाच भी भाग जाते हैं। नासहि रोग हरे सब पीड़ा, जो हनुमान जी महाराज की पूजन पाठ करता है, आराधना करता है, रोग भी दूर होते हैं, पीड़ा भी दूर होती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, बड़े बड़े संकटों से हनुमान जी महाराज हमको छुड़ा लेते हैं। और जानकी माता ने वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो ऐसे हनुमान जी महाराज हैं, यदि हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो जीवन के सारे संकट जो हैं वो क्षण मात्र में दूर हो सकते हैं। इसलिए 23 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हमको हनुमान जयंती मनाना चाहिए, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके अपने मन अपने शरीर को पवित्र करने के पश्चात एक चौकी पर हनुमान जी की फोटो या मूर्ति को रख करके, या अपने घर के निकट जो हनुमान जी का मंदिर है उस मंदिर में जाकर के हनुमान जी का विधिवत रूप से पूजन करें, हनुमान जी महाराज का अभिषेक करें और हो सके तो वहीं हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र की हमको माला करना चाहिए। 23 अप्रैल के दिन मंगलवार है और हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन ही हुआ था, इसीलिए मंगलवार के दिन हनुमान जयंती पड़ने से इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। सुबह प्रातःकाल 9 बजे से 2 बजे के मध्य पूजन करने के लिए अति शुभ मुहूर्त है, जैसे शुभ मुहूर्त में हनुमान जी का पूजन पाठ करें। और हनुमान जी महाराज को जो है बेसन के लड्डू अति प्रिय हैं, गुड़ चने फटाने का प्रसाद उनको अति प्रिय है, तो बूंदी भगवान को हनुमान जी को भोग लगाइए, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, नारियल हनुमान जी महाराज को भेंट करना चाहिए, हनुमान जी के सामने एक नारियल हमको फोड़ना भी चाहिए। इस प्रकार यदि आप हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं, विधि विधान के साथ हनुमान जयंती मनाते हैं, तो निश्चित हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा होगी और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा।